monstrous beast from the panel. ये फिर से आ गया। पर मैन कुछ करो, इसे जल्दी से पकड़ लो। ये इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है। अगर तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? गोभी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ऐसे तो मुझे कोई भी जानवर से डर नहीं लगता, लेकिन ये तो बहुत बड़ा और ज्यादा खतरनाक दिखता है। क्या करूँ मैं भूभी? अरे देखो बुरा। अरे भूभी ये तो ये देखो मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसा सोचा भी नहीं था। ओहो, कभी डरना नहीं, मॉन्स्टर इस धरती पर आ ही नहीं सकते। झूठ मत बोलो, ऐसा कोई मॉन्स्टर धरती पर हो ही नहीं सकता। कैसे कह सकते हो मिसुआ? बोलो बोलो। क्योंकि मुझे मालूम है मॉन्स्टर्स होते ही नहीं, किताबों में दिखाए हुए मॉन्स्टर्स झूठे होते हैं। चुप रहो मिसुआ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये सब दिखावा है। मुझे मालूम है, एक बार परमैन भी कोई बड़े मॉन्स्टर को पकड़ने गया था, वो सिर्फ एक उखड़ा हुआ झाड़ निकला और सब समझ बैठे वो भूत है। इसीलिए मैं इतनी यकीन के साथ कह सकता हूँ। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मॉन्स्टर जरूर होते हैं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं... देखो तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर मैं नहीं मानने वाला हूँ। क्या देता हूँ? हाँ तुम ना हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। जाओ, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। कटी जाओ, फिर मत आना। मैं भी देखता हूँ तुम मेरी बात कैसे नहीं मानते मिच्छुआ। कबाब ये देखो। अरे बाबा, ये कोई आने वाली मूवी का पोस्टर है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? अरे कबाब, मेरी बात तो पूरी सुन लो। अरे वाह साबू, मान गए, कभी कभी तुम भी बड़ी इंटेलिजेंट बातें करते हो। थैंक यू कबाब। अरे इतनी रात को कोई फिशिंग जाता है क्या? अरे तुम चलो तो सही, बड़ा मजा आएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? पास वाली लेक पर। वो बहुत ज्यादा दूर है और काफी डरावना भी है। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता। नहीं दोस्त, वो बात नहीं है, लेकिन अगर हम दिन में जाए तो क्या हर्ज है? लगता है मित्सुओ तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। कभी नहीं, लेकिन इतने दूर और सुनसान जगह पर जाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। झूठ मत बोलो मित्सुओ, मैं जानता हूँ तुम डर रहे हो। डर तो तुम्हें लग रहा है डरपोक बिल्ली। देखो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। तो फिर चलो हमारे साथ। अच्छा ठीक है, तुम जीते मैं हार गया, मैं आ रहा हूँ। अभी आया। चलो हम यहाँ पहुँच ही गए, और मैं वहाँ फिशिंग करूंगा उस कोने में, और मैं फिशिंग करने उस कोने पर जाऊंगा। अरे लेकिन हम सब एक ही जगह पर क्यों नहीं बैठ सकते? अरे तुम समझते नहीं हो मित्सुओ, अगर हम अलग अलग बैठेंगे तो ज्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। ठीक है जैसा तुम कहो, आज तो फंस गया, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए साबू सुनो, चलो अब हम अपने काम पर लग जाते हैं। ओके। कौन है वहाँ पर? कौन है? जवाब दो कबाब। साबू कौन है भाई, कौन है बताओ ना, कौन है? जल्दी करो कबाब। मॉन्स्टर! कोई मुझे बचाओ। अरे मिच्छुआ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने मॉन्स्टर देखा। क्या कहा, मॉन्स्टर? हाँ, वो अचानक उन झाड़ियों में से निकला और वहाँ चला गया, फिर बड़ी अजीब सी आवाज आई जैसे कोई उड़ रहा हो। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात को यकीन करो कबाओ। अच्छा क्या तुमने कुछ देखा साबू? मैंने तो कुछ नहीं देखा। लगता है मिच्छुओ तुम डर गए हो, मॉन्स्टर तो होते ही नहीं ना, तो क्या बात है मिच्छुओ बोलो ना। नहीं साबू, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मॉन्स्टर देखा था, अब मुझे यकीन हो गया है कि मॉन्स्टर होता है। तुम डर गए ना? वो हाइटन न्यूमा का डरावना मॉन्स्टर तुम्हें मालूम है ना? तुम कल वाले मॉन्स्टर की बात कर रहे हो? हाँ हाँ वही, मैंने परमैन से कहा है कि वो वहाँ जाए और देखे कि बात क्या है। पर ऐसा करना क्यों जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, किसी भी तरह परमैन उस मॉन्स्टर का पता लगा ले बस। मजा आ गया साबू। कबाओ इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, हम फंस गए हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? अगर परमैन को पता चला कि वहाँ सिर्फ एक पोस्टर है तो हम क्या करेंगे? तुम भी ना साबू, तुम ये कैसे भूल गए? तुम खुद ही भूल गए और अब मुझे मार रहे हो। रुको। हाँ भूभी बोलो।
ठीक है मैं समझ गया, मैं वहाँ आ रहा हूँ। हाँ मैं इसे रात में देख लेता हूँ। हाँ एक बार मुझे वहाँ आने तो दो, फिर मैं वो पोस्टर भी देखूंगा और हर चीज का पता लगा लूंगा। तुम टेंशन मत लो बूबी, मैं आ रहा हूँ। पर तब तक तुम वहीं पर रहना। हाँ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा तो तुम इसी की बात कर रहे थे। कबाब वो पोस्टर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मैं रहा, मिल गया। अरे वाह, चलो परमैन के आने से पहले इसे हटा दे। बाय बूबी, चलता हूँ। कबाब और साबु। ये पोस्टर कल का मॉन्स्टर तो यही था। अच्छा तो ये सब कबाब की शरारत थी मुझे डराने की। कोई बात नहीं, मैं उस कबाब के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। इतना बेवकूफ था मैं, लेकिन मैं उन डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जिन्हें बोलना अलाउड होता है, और एक तुम उनमें से हो जिन्हें बोलना अलाउड नहीं होता। इसलिए तुम जरा अपना मुंह बंद ही रखो, जब देखो तो बड़बड़ाते रहते हो। चुप करो। ठीक है, अब तो कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे सबका डर भाग जाए और उन्हें सबक भी मिल जाए। पर क्या करूं। अरे हाँ, आइडिया मिल गया। रोबोट तुम जरा मेरी मदद करना प्लीज। क्या तुम सचमुच उस मॉन्स्टर को देखना चाहोगे? हाँ मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ कबाओ। क्या सच में? लेकिन इसके लिए तुमने हमें क्यों बुलाया? मुझे लगा तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मेरी मदद करोगे। इससे तो अच्छा होगा तुम परमैन की मदद लो। तुम ही तो कह रहे थे तुम परमैन से बात करोगे। हा? हाँ कहा तो था, लेकिन परमैन थोड़ा सा बिजी है। लेकिन ऐसी जगहों पर मॉन्स्टर कैसे मिल सकते हैं? हाँ सच्ची, मॉन्स्टर तो पहाड़ों या समंदर में मिलते हैं। लेकिन मैंने उसे देखा था। अरे वो असली वाला नहीं था। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। थैंक यू। मैं जरा जाकर उस तरफ देखता हूँ, ठीक है? मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था कुछ ऐसा होने वाला है साबू। कबाओ तुम्हारे मुंह से वो पोस्टर वाली बात निकलने वाली थी ना? तुम अपना मुंह बंद रखोगे साबू? देखो हमें उसे यकीन दिलाना था कि मॉन्स्टर होते हैं, और अब वो हमारे जाल में फंस चुका है। थोड़ा ढूंढने दो उसे, फिर वो अपने आप ही हार मान लेगा और फिर हमारी जीत और उसकी हार। समझ गए ना तुम? जैसा तुमने कहा था मैं उन दोनों को ले आया हूँ। अरे तुम नहीं जानते मैं उन दोनों का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आगे आगे देखते जाओ। अब आएगा असली मजा। कबाओ, कबाओ, वो देखो। अरे क्या है वो? और इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो कबाओ और साबु। क्या कहा? मिच्छुओ तुमसे कुछ भी कहेगा और तुम उसकी बात मान लोगे? नहीं नहीं, सिर्फ उसकी गलती नहीं है, इस गलती में मैं भी तो शामिल हूँ ना। बड़ाया हंसने वाला। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिच्छुओ। शांति रखो, शांति रखो, तुम दोनों भी कुछ कम नहीं हो। अब इस झगड़े का हल हमेशा के लिए निकाल ही लो। देखो मॉन्स्टर का होना या नहीं होना सब अपने देखने का नजरिया होता है, क्यों कबाओ? और मिच्छुओ तुम भी अगली बार ऐसे कामों के लिए मुझे मत बुलाना, ओके? कैसा है ये? अगर परमैन जैसी टीचर और आ गए तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। चलो अच्छा है, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ऐसा तुम्हें लग रहा है? पहले देखो तुम्हारा बलून उड़ रहा है। देखो तुमने उस थिएटर वाले से उधार लिया था ना? अरे बलून उड़ रहा है। अरे ऐसा मत करो, वो थिएटर वाला मुझे खा जाएगा।